लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी की समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री कंवर पाल गुज्जर, हिसार से बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला, फरीदाबाद उम्मीदवार कृष्ण पाल गुज्जर, सिरसा से उम्मीदवार अशोक तंवर, सोनीपत से उम्मीदवार मोहन लाल बडोली समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, राज्यमंत्री महिपाल ढांडा, राज्यमंत्री सुभाष सुधा भी मौके पर मौजूद रहे। देखिए, जो भी जहाँ की जिस प्रकार की परिस्थितियाँ रही हैं और जिस प्रकार का हमारे पक्ष में मतदान हुआ, जहाँ मुश्किलें आई, वो सारी बातों के बारे में डिटेल से सभी जो कार्यकर्ता है वो सारी उसकी समीक्षा करके उसको बताएंगे। सर, 400 पर नतीजे आएंगे, लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार दावा कर रही है कि वोटिंग के बाद जो है एक आंकलन 6 से 7 सीट कम से कम जीत रहे हैं। हालांकि 10 की 10 का दावा करते हैं, लेकिन उनके जो इंटरनल जो है वो 6-7 सीटें मान कर चल रहे हैं। भाई, दावे पे तो कुछ वो नहीं लगता था, नहीं दावा तो कुछ भी कर सकता जी सर, लेकिन कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं। अगर कांग्रेस 2 सीटें भी जीतती तो बहुत बड़ी बात। अब 12 लोकसभा की क्या रहेगी? 100% भारतीय जनता पार्टी परंपरा ही है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है ना जी, कोई व्यक्तिगत पार्टी नहीं है, पारिवारिक पार्टी नहीं है। तो कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो MLA का हो, चाहे वो निगम का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, तो उसकी समीक्षा के लिए बुलाए। तो किस तरीके के नतीजे देखते हैं, और खासकर आपके हिसार में किस तरीके की संभावना है? हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से जीत रही है। आप फील्ड में थे सर, किसी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी नजर आई? नहीं, कोई एंटी नहीं। हिसार में तो बहुत ही अच्छा माहौल था, क्योंकि मैं मोस्टली हिसार में रहा, तो बहुत अच्छा माहौल था। अच्छे वोटों से चौधरी रणजीत सिंह जीतेंगे, और बाकी लोगों को, कांग्रेस को छोड़कर जो बाकी लोग हैं उनको तो शायद अगली दफा जो मान्यता है वो भी ना मिले, इतना कम हो रहा है। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला नहीं है, पर मैंने आपको कहा कि उन दोनों को तो मान्यता भी मिलनी मुश्किल है। बाकी सीटों पर किस तरीके से रहेगा? सब बहुत बढ़िया, बहुत। आज का दिन को, आज 4 तारीख को आप सबको पता ही लग जाए। ठीक।